Next point of discussion here is catchment area. चलिए देखते हैं कैचमेंट एरिया क्या है तो बेटा नाम में ही लिखा है वहां पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कैचमेंट एरिया कैचमेंट मतलब कैचिंग पावर कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है कि कैचिंग पावर कितना है ठीक है मान लो आपसे मैं पूछूं आप एक पर्टिकुलर कोचिंग कोचिंग है ठीक एक एक है दिस इज ए पर्टिकुलर कोचिंग कोई भी हो सकती है पर्टिकुलर कोचिंग है पर मैं बेटा ये पूछू आपसे कि ये पर्टिकुलर कोचिंग का कैचमेंट एरिया क्या है कैचमेंट एरिया का मतलब माय डियर फ्रेंड ये हुआ कि ये कोचिंग अपने आसपास के कितने जोग्राफिक रीजन से पॉपुलेशन पॉपुलेशन कौन है स्टूडेंट स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकते सर्विस का यूज कर सकते हैं मान लो माई डियर फ्रेंड ये अगर ये कोचिंग मेरी दिल्ली में है अगर ये कोचिंग मेरी दिल्ली में है तो ओबियस बात है कि दिल्ली एनसीआर के दिल्ली NCR का जो भी रीजन है दिल्ली NCR के आसपास का जो भी रीजन होगा उसी की तो पॉपुलेशन उसी की पॉपुलेशन क्या सकती है इस कोचिंग के अंदर रोज क्या सकती है इसी कोचिंग के अंदर रोज क्लास करने के लिए आ सकती है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड कि पटना का कोई स्टूडेंट की रोज दिल्ली में आके क्लास अटेंड करे इसी कोचिंग के अंदर There is no possibility. हाँ ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट कहाँ रह रहा हो दिल्ली एनसीआर में रह रहा हो दिल्ली के नियर बाई रीजन में रह रहा हो तब तो वो रोज अटेंड कर सकते हैं मैंने बोला कि इसी भी किसी भी कम्युनिटी का अगर मैं बोलता हूं कि इस कोचिंग का जो मेरा होगा जो कैचमेंट एरिया तो इस कोचिंग की सर्विस के इस कोचिंग के आसपास का वो ज्योग्राफिक रीजन उस रीजन के वो बच्चे जो इस कोचिंग की सर्विस का यूज कर सकते हैं मतलब आसपास के वो रीजन के बच्चे जो कंडीशन किसकी हो हो होती है माई डियर फ्रेंड रिवर के साथ अब देखते हैं रिवर में क्या होगा सिमिलर कंडीशन मेरी किसके साथ है रिवर के साथ तो रिवर का सेक्शन बना देता हूं मैं यहाँ पे ठीक है एक रिवर का सेक्शन आपको दिख रहा है दिस इज द रिवर ये आपके रिवर हो गए दिस इज द ग्राउंड लेवल ये भी ग्राउंड लेवल है एंड दिस इज आल्सो द ग्राउंड लेवल

ये कॉन्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करेगा दिस वाटर विल भी कॉन्ट्रीब्यूट कि ये रिवर इस रीजन से रेनफॉल को क्या कर रही है कैच कर रही है यहाँ पे अगर मान लो कि आपका ये इस आसपास पास यहाँ पे रेनफॉल होता है तब भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इसका मतलब ये रिवर यहाँ तक इस रीजन तक इस पॉइंट तक क्या कर रही है वाटर को कैच कर रही है अगर मान लो कि यहाँ पे रेनफॉल होता है तब भी अभी सी बात है दिस वाटर विल रीच इन दिस रिवर यानी कि इसकी पहुंच कहाँ तक है इस पॉइंट तक अगर मैं बेटा हाइएस्ट पॉइंट ले लो हाइएस्ट पॉइंट मेरा ये हुआ और मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बना दिया दैट इज सेक्शन x2 x2 एक सेक्शन बना दिया सेक्शन सेक्शन x2 x2 section x2 x2 के लेफ्ट में यहाँ पे रेनफॉल हुआ तब भी ये वाटर कहा जाएगा इस रिवर में करेगा लेकिन अगर सेक्शन x2 x2 के राइट right में मैं वो रेनफॉल लू क्या ये वाटर माइ डियर फ्रेंड इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आंसर विल बी नो ये इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ये किसी दूसरे कैचमेंट एरिया में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा यानी कि माइ डियर फ्रेंड मेरी रेनफॉल अगर सेक्शन एक्स टू, टू के लेफ्ट तक होगी यानी कि यहाँ तक होगी तभी वो इसमें क्या करेगी ये रिवर इस रीजन तक क्या करेगी वो वोटर को कैच कर पाएगी सिमिलरली कंडीशन अगर मैं यहाँ पे भी हाईस्ट सेक्शन लिया दिस इज द सेक्शन एक्स वन ये मैंने क्या ले लिया सेक्शन एक्स वन ले लिया अगर आपका रेनफॉल कहीं यहां पे होता है अगर आपका रेनफॉल यहाँ पे होता है तो क्या दिस रेनफॉल विल कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस रिवर आंसर विल बी यस दिस वॉटर सिमिलरली कॉन्ट्रीब्यूट द वॉटर इन दिस रीवर लेकिन अगर माइ डियर फ्रेंड अगर वोटर मेरा यहाँ पे होती है ठीक है लेकिन अगर इस सेक्शन के लेफ्ट में होता है तब कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा क्यों क्योंकि बेटा दिस इज दाइएस्ट पॉइंट ये हाइएस्ट पॉइंट था यह भी क्या था मेरा हाइएस्ट पॉइंट तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेक्शन एक्स वन एक्स वन से लेके सेक्शन एक्स टू के बीच का जो भी रीजन है सेक्शन एक्स वन एक्स वन से लेके सेक्शन एक्स टू के बीच का जो भी मेरा रीजन है वही इस रिवर के लिए क्या है उसका कैचमेंट एरिया वही क्या उसी का दैट इज कैचमेंट एरिया ठीक है तो कैचमेंट एरिया क्या हो सकता है किसी भी रिवर के आसपास का वो रीजन जो उस कैचमेंट उस रिवर में क्या करे वाटर को क्या करें कॉन्ट्रीब्यूट करें क्या करें वाटर को कॉन्ट्रीब्यूट करें वही क्या हो जाएगा उस रिवर के आसपास का कैचमेंट एरिया हो जाएगा क्लियर माय डियर फ्रेंड चलो इसको नोट कर, एक कर थे थे हैं एक डेफिनेशन नोट कर सकते हैं यहां हूं आपके लिए दहिरिया एरिया ड्रेनिंग इंटू ए रिवर एरिया ड्रेनिंग इनटू ए रिवर एरिया ड्रेनिंग इंटू ए रिवर और स्ट्रीम the area draining into a river or a stream is called is called is called catchment area is called catchment area of of that particular stream of that particular stream of that particular stream एट ए गिवन लोकेशन एट ए गिवन लोकेशन किसी भी गिवन लोकेशन पे वो इसके लिए क्या हो जाएगा कैचमेंट एरिया हो जाएगा क्लियर माई डियर फ्रेंड चलो अब बेटा जो कैचमेंट एरिया होते हैं उसको कुछ और भी नाम होते हैं उसके जो कैचमेंट एरिया होगा उसके कुछ और दो तीन नाम होते हैं जिससे कैचमेंट एरिया को ही हम बोलते हैं ड्रेनेज एरिया कैचमेंट एरिया को हम क्या बोलते हैं डैट वी कॉल एट ड्रेनेज एरिया क्लियर ये भी नोट कर सकते हैं एक और नाम होता है इसका ड्रेनेज बेसिन इसी को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट ड्रेनेज बेसिन उसी को हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं और इसी को बेटा हम बोलते हैं इज रिवर बेसिन इसी को हम क्या बोलते हैं रिवर बेसिन इसी को ड्रेनेज एरिया बोलेंगे इसी को ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे और इसी को क्या बोलते हैं रिवर बेसिन बोलते हैं क्लियर सभी को ड्रेनेज एरिया और ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन क्लियर माय डियर फ्रेंड लेकिन इन सब के अलावा भी इन सब के अलावा भी बेटा इसका एक और नाम होता है डेट इज वॉटर सेट यूएसए के अंदर यूएसए के अंदर जो कैचमेंट एरिया होगा इन यूएसए यूएसए के अंदर जो कैचमेंट एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाटर सेट यूएसए के अंदर जो भी मेरा कैचमेंट एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डेट वी कॉल इट वाटर सेट क्लियर माई डियर फ्रेंड ये पॉइंट याद रखना है कि वाटर सेट किसको बोलते हैं यूएसए के अंदर कैचमेंट एरिया को ठीक है यूएसए के अंदर हम कैचमेंट एरिया को क्या बोलते हैं वाटर सडी ये पॉइंट आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड क्लियर सभी को चलो अब बेटा मैंने ये जो व्यू बनाया है ये अगर डियर फ्रेंड मुझे इसका प्लान व्यू बनाना पड़े क्या बनाना पड़े प्लान व्यू बनाना पड़े तो प्लान व्यू कुछ इस तरह का होगा आपने कुछ देखा भी होगा प्लान व्यू ठीक है प्लान व्यू के अंदर बेटा माइ डियर फ्रेंड दिस इज द मेन स्ट्रीम ये मेरी मेन स्ट्रीम एंड आर द सब स्ट्रीम्स ये क्या है मेरी कुछ सब स्ट्रीम्स है एंड आर द ट्राइब्यूटरीज ये क्या है माइ डियर फ्रेंड ये मेरी कुछ ट्राइब्यूट्रीज है क्लियर नाम लिख लेते हैं हम यहां पे दिस इज द मेन स्ट्रीम दिस इज द मेन रिवर या मेन स्ट्रीम लिख सकते हैं

अब आगे देखते हैं अब मुझे ये बताओ मैं डियर फ्रेंड अगर ये प्लान व्यू हूँ यानी कि इस रिवर का अब देखो हमने ये जो व्यू बना है एक्चुअली में मैंने इस रिवर का कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया एक्स एक्स उस पे बनाया है यानी कि ये जो देख रहे हैं आप ये वाला व्यू ये वाला सेक्शन देख रहे हैं लेकिन एक रिवर बेटा किसी सेक्शन पे तो नहीं होती वो क्या होती है लेंथ ऑफ बहुत सारी किलोमीटर्स में फैली होती तो मुझे मैं डियर फ्रेंड मुझे एक बात बताओ एक बात बताने से पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे एक और पॉइंट होता है माय डियर एक पॉइंट होता है रिज उसको देखो उसको भूल जाओ मिनट के लिए एक डेफिनेशन हम एक वर्ड पढ़ते हैं रिज और रिजी को हम बोलते हैं है, माय डियर फ्रेंड रिज का दूसरा नाम एक और होता है डेट इज वाटर डिवाइड इसी को क्या बोलते हैं वाटर डिवाइड और इसी को हम बोलते हैं डिवाइड वाटर डिवाइड और इसी का एक और नाम होता है डेट इज डिवाइड रिज बोल लो वाटर डिवाइड बोल लो या फिर डिवाइड बोल लो एक ही बात है क्लियर सभी को रिज बोल लो वाटर डिवाइड बोल लो या फिर डिवाइड बोल लो एक ही बात है क्लियर अब बेटा तो रिज वो लाइन होगी जो एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से डिमार्केट करती है यानी के अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं रिज बोलते हैं जैसे सेक्शन एक्स टू एक्स टू सेक्शन एक्स टू एक्स टू की अगर माइडियर फंड में बात करूं तो सेक्शन एक्स टू एक्स टू के लेफ्ट वाला जो सेक्शन लेफ्ट वाला जो एरिया है वो इस रिवर में कॉन्ट्रीब्यूट करता है ठीक है लेकिन सेक्शन एक्स टू एक्स टू के जो राइट right वाला रीजन है वो किसी और रिवर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है सेक्शन एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से डिमार्केट कर रहा है अलग कर रहा है तो ये क्या हुआ एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू इज कॉल्ड द रिज एक्स टू को मैं क्या बोल सकता हूं माई डियर फ्रेंड यहां से वी कॉल इट रिज और रिज का एक और नाम क्या बताया मैंने That is water divide. हम इसको एक और नाम से बोलते हैं वॉटर डिवाइड और इसी को हम एक और नाम देते हैं डियर फ्रेंड डिवाइड इसी को हम डिवाइड भी बोलते हैं रिज बोल लो वाटर डिवाइड बोल लो या फिर डिवाइड बोल लो क्लियर रिज बोल लीजिए वाटर डिवाइड बोल लीजिए या फिर डिवाइड बोल लीजिए क्लियर है डियर फ्रेंड इसमें एक सो डेफिनेशन लिख लेंगे लाइन देखो इट इज ए लाइन it is a line which demarcate it is a line which demarcate one catchment area it is a line which demarcate one catchment area from its from its neighboring catchment area फ्रॉम इट्सिंग कैचमेंट एरिया इट इज ए लाइन विच डी मार्केट वन कैचमेंट एरिया फ्रॉम इट्सिंग नेरिया से अलग करती है क्लियर है लेकिन माई डियर फ्रेंड एक और पॉइंट इसी के अंदर यूके के अंदर इन यूके अगर मैं बैठा यूके के अंदर बात करूं तो यूके के अंदर एक वर्ल्ड होता है वोटर से मैंने बताया था यूएसए में वाटर शेड किसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया को लेकिन यूके के अंदर जो हम बोलते हैं वाटर शेड वी कॉल इट वाटर शेड टू द रिज रिज का क्या नाम है वहां पे वाटर शेड लेकिन कहाँ पे यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो इन यूके इसमें पॉइंट लिख ले इन यूके रिज इज ऑल्सो नॉन एज रिज इज कॉल्ड एज रिज इज कॉल्ड एज वाटर क्लियर वी कॉल इट वोटर सेड ठीक है हम क्या बोलते हैं यूके के अंदर रिज को हम क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड सेड बोलते हैं क्लियर है सभी को क्या बोलते हैं सेड ये पॉइंट याद रखना है वोटर साइड यूके में किसको बोलते हैं रिज को बोलते हैं लेकिन यूके के अंदर वोटर सेड यूएसए के अंदर वोटर सेड किसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया को बोलते हैं क्लियर डियर फ्रेंड सभी को चलो अब इस फिगर की बात करते हैं ये मैंने प्लान व्यू बनाया था डियर किसका प्लान व्यू बनाया था प्लान व्यू किसका प्लान व्यू द प्लान व्यू ऑफ कैचमेंट एरिया था तो मुझे ये बताओ कि ये जो ऑल्टर पेरीफेरी है ये जो ऑल्टर पेरीफेरी है ये क्या है ये जो ऑल्टर पेरीफेरी मैंने बना रखी है दिस इज क्या है इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है वो सारा क्या है इस मेन रिवर का कैचमेंट एरिया है ये तो है इस मेन रिवर का क्या है कैचमेंट एरिया है लेकिन इस अल्टर पेरिफेरी के बाहर का जो रीजन होगा वो क्या होगा वो किसी दूसरी रिवर के लिए उसका कैचमेंट एरिया होगा तो इसका मतलब माय डियर ये जो अल्टर पेरिफेरी बनी है दिस इज कॉल्ड रिज ये अल्टर पेरिफेरी फेरी क्या है मेरी रिज लाइन क्या एक्चुअली में वो रिज है क्लियर सभी को क्या है वो रिज बस ये याद रखना बेटा प्लान व्यू ये आगे आगे बेसिक्स बेटा काम आएंगे हाइड्रोग्राफ के अंदर ये जितने भी बेसिक्स बता रहा हूँ दिस विल बी आपके काम आने वाले कहाँ पे हाइड्रोग्राफ में जब आप हाइड्रोग्राफ पढ़ रहे होंगे क्लियर है सभी को चलो बेटा इसको नोट करो आई थिंक सिक्वेंस पता है कैसे कैसे नोट करना है सभी को नोट कीजिए सभी लोग